सदस्य हमने क्रिया का भी अध्ययन कर लिया था और विशेषण का भी। आज हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, यह भी साथ में भी आ सकता है। अब हमें देखना है कि क्रिया विशेषण क्या है। यदि हम इन दोनों की परिभाषा जानते हैं तो किसी काम का करना या होना पाया जाता है जिस शब्द से पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। और काम का पता चला है वो तो हुई क्रिया, लेकिन संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बता रहे हैं वो होता है विशेषण। लेकिन हम पढ़े क्रिया विशेषण, तो अब हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि जो अविकारी शब्द होते हैं अर्थात जो क्रिया विशेषण।
क्रिया विशेषण। तो सिर्फ हमने करने में होता है एविकल एविकल या विशेषण क्या है, क्रिया की विशेषता आपको बताई होगी कोई क्रिया विशेषण कहते हैं। और इसमें जैसे देखिए मोहन बहुत तेज चलता है, चलना दौड़ना जो भी है। अब यहाँ पे क्या है, मोहन क्या करता है और चलना क्या है, क्रिया है। इसे वैसे छोटे कॉपी में नहीं समझाना, सिर्फ तुम्हें समझने के लिए लिखा हुआ है, तो लिख सकते हो। बोलते आप क्या विशेषता होता है, कैसे ये विशेष, लेकिन इसकी एक कैसी विशेषता, कैसे चल रहा है वो, बहुत तेज चल रहा है। सीधा से कितने बहुत तेज चलता है, तो क्रिया की विशेषता बताइए कैसे चल रहा है वो, बहुत तेज चल रहा है। क्या बहुत धीरे धीरे चलता है, तेज नागर गीता धीरे 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 गाते हैं। क्रिया विशेषण के छह भेद होते हैं। पहला का परिमाण वाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। चौथा है हमारे पास स्वीकार वाचक, क्या किया किसी बात को स्वीकार कर लिया, हाँ अवश्य इस प्रकार से। तो अब हमें मना नहीं करना है, निषेध वाचक क्या हुआ, साथी स्वीकार किया है तो अब ना नहीं हम जो करते हैं वह भी इसमें आएगा साथी। अब हो गया रीति वाचक, जिसे हम रीति रिवाज कहते हैं, उस आधार पर ले सकते हैं क्या स्थिति है रीति वाचक क्रिया विशेषण।
विशेषता बता रहे हैं, कौन से शब्द? अविकारी शब्द। ये निश्चित रूप से लिखना जरूरी होगा कि अविकारी शब्द, जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं वही क्रिया विशेषण है। अब हमने देखा कि क्रिया के कितने भेद होते हैं? छह भेद होते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, काल का बोध करवा दिया कालवाचक में, स्थानवाचक में स्थान का बोध करवा दिया, परिमाणवाचक क्या है उसका हम कहते हैं नॉर्थ पोल होता है उस आधार पर तो हो गया, और फिर था स्वीकार वाचक, कोई बात हम स्वीकार करते उसके अनुसार, फिर है मना करने वाला निषेध वाचक, और फिर आखिर में है रीति वाचक। तो अब हमें इन सभी को हम पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हें ध्यान से इनके बारे में समझना है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। ये हो गया हमारे कौन से समय का सूत्र।
बोध करवा रहे हैं। फिर है अवधिवाचक, ये भी समयबद्ध है, ये भी होता है, लेकिन हमें ये अलग अलग समझना है। जैसे अवधि है, ये कहेंगे लगातार सदैव हर पल